हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे फरमाइश की थी कि सर, पाकिस्तान स्टडीज़ के रिगार्डिंग एक वीडियो बना दें जिसमें आप हमें डिटेल से बता दें कि इसमें क्या क्या कोर्स है और कौन कौन सी ऑफलाइंस है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होगी। ये जो बुक आपके सामने है, ये है एनसीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे स्टूडेंट्स कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सर, जो पेपर आएगा हमारा, वो आपका जो है इंग्लिश में आएगा या उर्दू में आएगा? हमने इंग्लिश में प्रिपेयर करना है कि उर्दू में करना है? तो मैंने उनसे कहा कि वो आपने लाजमी इंग्लिश में करना है। सो ये हमारा पहला पेज है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान करना है, टू नेशन थ्योरी करनी है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आपको मुझे कि बात बताऊँ, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है? क्या थी आइडियोलॉजी? टू नेशन थ्योरी थी जी। क्या टू नेशन थ्योरी थे? कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो अलग अलग कौम है, ठीक है, और ये साथ में आबाद नहीं रह सकते। फिर कायदे आज़म की आइडियोलॉजी कर लेना। देन आपने करना है अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी, शाह वली उल्लाह की करना लाजमी, सर सैयद अहमद ख़ान और अंजमन हमायत इस्लाम। डिवीज़न ऑफ बंगाल करना, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग के कैसे फॉर्म हुई थी, मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म, फाइनल स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, कायदे आज़म एड्रेस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लाहौर रेजोल्यूशन, सम मेजर इवेंट्स फ्रॉम 1940 to 1946, क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान। देन है आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रोल ऑफ जना एज गवर्नर जनरल, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इसमें जितने भी हैं, 56 का है, 66 का है और 70 का है, ये आपने सारे करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ना छोड़ना। इसके अंदर से एमसीक्यूज भी आए थे लास्ट टाइम, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने आर्टिकल्स पूछ लिए थे कि 56 में कितने आर्टिकल्स हैं, 66 में कितने हैं, 72 में कितने हैं, ठीक है? ये लाजमी करना है आपने। उसके बाद जी, काज ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। अच्छा जी, उसके बाद आपने करना है सप्रेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेगेसी ऑफ जेड ए भुट्टो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ये भी कर लेना आप। ज़ियाउल हक का मार्शल ला जो है, इसने कब लागू किया था, ठीक है, इसके भी एमसीक्यूज आ चुके हैं। इस्लामाइजेशन अंडर ज़िया, परवेज़ मुशर्रफ मार्शल लॉ। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने जो जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी वो देखनी है आपने। देन है सॉल्यूशन ऑफ द कश्मीर प्रॉब्लम, और सबसे लास्ट पे जो है, ये है जियोग्राफिकल एंड स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द पाकिस्तान। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव रिलेशन आ जाता है। ये बात मेरी याद रखना मेरे भाइयों और उनकी बहनों कि यार, ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपने सारे करने हैं, इसमें से कोई डंडी डुंडी ना मारना। एमसीक्यूज आ चुके हैं और इधर से नेहरू रिपोर्ट वगैरह भी देखनी है आपने, 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म और होल रेजोल्यूशन, ठीक है, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड इनिशियल प्रॉब्लम्स, और सबसे लास्ट में है जी जियोग्राफिकल एंड स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम, परवेज़ मुशर्रफ, मार्शल ला, इस्लामाइजेशन अंडर ज़िया रिमेंच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।